बचपन से ही बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति का था। वह 5 वर्ष की उम्र में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहता था। उस बालक के पिता और बड़े भाई राम राय उस बालक की कठिन से कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब वह बालक गुरुवाणी पाठ कर रहा होता तो वह उन्हें सुई चुभोते, लेकिन वह बालक गुरुवाणी में ही रमा रहता। इतनी भक्ति में लीन देखकर उनके पिता ने उनको हर तरह से योग्य मानते हुए सन 1661 में गुरुगद्दी सौंपी। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। वह बालक कोई और नहीं, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी थे। गुरु हरकृष्ण जी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 वर्ष तक ही सिखों का नेतृत्व किया। गुरु हरकृष्ण साहिब सिखों के 8वें गुरु थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। वह गुरु हर राय साहब जी और माता किशन कौर के दूसरे पुत्र थे। राम राय जी गुरु हरकृष्ण के बड़े भाई थे। 8 साल की छोटी सी आयु में गुरु हरकृष्ण साहिब को गुरुपद प्रदान किया गया। इस बात से ही नाराज होकर राम राय ने औरंगजेब से इस बात की शिकायत की। राम राय का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। इसी बात से वो अपने छोटे भाई हरिकृष्ण से नाराज रहते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को जब सिखों के नए गुरु को गुरुगद्दी पर बैठने और थोड़े ही समय में इतनी प्रसिद्धि पाने की खबर मिली तो वह ईर्ष्या से जल भुन गया और उसके मन में सबसे कम उम्र के सिख गुरु को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। वह देखना चाहता था कि आखिर इस गुरु में क्या बात है जो लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। मुगल बादशाह ने गुरु हरकृष्ण को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। गुरु जी भली भांति समझ गए थे कि यह मुगल बादशाह की चाल है। इससे पहले भी बड़े भाई को उसने अपनी चाल में फंसाकर सिख धर्म से बेदखल करवा दिया था, लेकिन गुरु जी ने जाने से इनकार नहीं किया और वह दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली में वह राजा जय सिंह के महल पहुंचे। सिख इतिहास के मुताबिक ये वही महल है जिसे आज के समय में गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पहुंचकर गुरु हरकृष्ण बादशाह औरंगजेब से मिले। औरंगजेब के दरबार में वह जैसे ही पहुंचे, कपटी बादशाह ने उनके सामने 2 बड़े थाल रखवाए। एक में महंगे वस्त्र और हीरे जवाहरात थे और दूसरे में कटे फटे किसी गरीब के वस्त्र। गुरुजी ने गरीब के वस्त्र वाले थाल को चुना। गुरु हरकृष्ण का यह स्वभाव देख मुगल बादशाह दंग रह गया। गुरु हरकृष्ण वहां से लौट आए, लेकिन बादशाह ने उन्हें फिर से आमंत्रित करना चाहा। अब गुरु हरिकृष्ण समझ चुके थे कि बादशाह सिर्फ और सिर्फ उन्हें और सिख धर्म को बेइज्जत करने के मकसद से उन्हें बार बार आमंत्रित कर रहा है। इस बार उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि भविष्य में भी वह कभी बादशाह से मिलना नहीं चाहेंगे। जिस समय गुरुजी दिल्ली में थे, उस समय वहां चेचक की महामारी चल रही थी। मुगल राज जनता के प्रति असंवेदनशील था। जात पात और ऊंच नीच का दरकिनार करते हुए गुरु साहिब ने सभी पीड़ित जनों की सेवा का अभियान चलाया। खासकर दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम उनके इस मानवता की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर कहकर पुकारने लगे। जन भावना एवं परिस्थितियों को देखते हुए औरंगजेब भी उन्हें नहीं छेड़ सका। दिन रात महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा करते करते गुरु साहिब खुद भी बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन जब उनकी हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई तो उन्होंने अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट है। जब लोगों ने कहा कि अब गुरुगद्दी पर कौन बैठेगा तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए, जो आगे चलकर गुरु तेज बहादुर सिंह के रूप में सही साबित हुआ। अपने अंत समय में गुरु हरकृष्ण साहिब ने सभी लोगों को निर्देश दिया कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं और इसके बाद उन्होंने आज के ही दिन 30 मार्च 1664 को अपना शरीर त्याग दिया और अकाल पुरख की गोद में जा बैठे। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 30 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1919 में महात्मा गांधी ने रॉल्ट एक्ट के विरोध की घोषणा की। साथ ही साल 1997 में कांग्रेस ने 10 महीने पुराने केंद्र की एचडी देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया। साल 2002 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दो की मां का 101 की उम्र में निधन हो गया। वहीं साल 2003 में लंदन में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा संगत के लिए खोला गया। साल 2006 में ब्रिटेन में आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।